कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप। आइए इस वीडियो में हम कुछ ओरिजिनल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश में पढ़ते हैं। बी स्टडी डेट हाउ टू स्पीक शॉर्टली द सेंटेंसेस। कभी कभी क्या होता है कि हम देखिए, यहाँ पर आपके पिक्चर्स में कुछ दिया गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिखा है आमा, जैसे आमा का मतलब होता है आई एम गोइंग टू, ओके। आमा का मतलब आई एम गोइंग टू। अगर आप बोल रहे हो आई एम गोइंग टू मार्केट, यही चीज़ें अगर शॉर्ट में बहुत तेज़ी से आप बोलोगे तो आप सिंपली बोलो आई एम अ मार्केट, ओके। आई एम अ मार्केट, ओके। आई एम गोइंग टू का मतलब आमा होता है, और यही रीज़न है कि जब कोई ब्रिटिश का व्यक्ति या कोई अमेरिकन का व्यक्ति या अमेरिकन या ब्रिटिश आपसे बात करता है, आमा मार्केट बोलता है, तो आप समझ नहीं पाते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। आमा कोचिंग, आमा स्कूल, ओके। आमा स्कूल एंड आमा कॉलेज, आप सिंपल बोलो। अगला है गॉट यू। अब गॉट यू को बोलो गॉटा, क्या बोलोगे? गॉटा। देखिए गॉट यू का मतलब होता है मैं आपकी बात को समझ गया, ठीक है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बोलोगे आई गॉट यू, ठीक है। गॉट यू को बोलेंगे गॉटा, ओके, गॉटा, ठीक। अगला है गोइंग टू बोलेंगे गोना, जैसे आप मार्केट जा रहे हो तो सिंपल बोलो आई एम गोना मार्केट, ओके। आई एम गोना टॉयलेट, आई एम गोना कॉलेज, आई एम गोना कोचिंग, आई एम गोना टू सी माई फ्रेंड, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक। ये गोइंग टू को गोना बोलते हैं। अगला गॉटा का मतलब गॉट टू, ओके। अगला होता है गॉटा का मतलब होता है गॉट टू, गॉटा मीन्स गॉट टू, ठीक। अगला है वाना मीन्स वॉन्ट टू, जैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वाना टॉक टू यू। मैं यही ऊपर देखिए, जैसे गोइंग टू था तो मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ, ठीक है। आई गोना मार्केट, या मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई गोना मार्केट, ओके। काइंड ऑफ को बोलते हैं किंडा, ठीक है। आउट ऑफ को अटा, शॉर्ट ऑफ को शॉर्टा, बहुत सिंपल है। गिव मी ओपन, लेट मी को बोलेंगे लेमी, लेट मी को बोलेंगे लेमी, ठीक है। लेट मी गो, लेट मी रीड, लेट मी स्टडी, लेट मी स्पीक। डोंट नो को बोलेंगे डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट डिड ही से, आई डोंट नो वेयर डू यू लिव, ओके, इजंट इट। एंड अगला है इजंट इट का बोलते हैं एंट इट, इन इट, क्या बोलेंगे? इन इट बोलेंगे। एंड होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसे वीडियो में बने रहिए। एक चीज़ और, आप वीडियो को शेयर करें, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछें, बताएं कि ये वेरी सिंपल है जो आपके स्पोकन में काम आता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू बोलो देखिए आई एम अ मार्केट, ओके। गॉट अ गॉट यू का मतलब आप बोलो गॉचो, ओके। गोइंग टू का गोना, गॉट टू का गॉटा, वन टू का वन, काइंड ऑफ का किंडा, आउट ऑफ का ऑटा, शॉर्ट ऑफ का शॉर्टा, गिव मी का गिमी, लेमी का लेट मी का लेमी, डोंट नो का डोनो, इजंट इट का इन इट। ये अब तब आएगा जब आप यहाँ से बाहर कहीं जाओगे, कंपनी में काम करोगे, देश विदेश के लोग आपसे मिलेंगे, तो सिंपल सी ये सारे सेंटेंसेस आपको यूज करेंगे, और ये इतने इम्पॉर्टेंट है, जब आप रेगुलर यूज करोगे तो आएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इफ़ यू विल यूज इट रेगुलर यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली, इफ यू विल नॉट यूज दीज विल बी फॉरगॉट। सो फॉर रिमेंबरिंग इट, फॉर लर्निंग इट, फॉर कीपिंग इट इन योर माइंड, ऑलवेज प्रैक्टिस एंड वॉच दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, एंड इफ यू वॉन्ट दैट आई मेक अनदर वीडियो ऑन अनदर टॉपिक वट यू लाइक प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। I am always ready for you if you want to learn anything in English. And second one is, if you want to join Sun Institute of English Language, kindly call. Thank you.